धर्म और अध्यात्म इज द सेम और डिफरेंट? धर्म इज लॉ ऑफ नेचर, अध्यात्म इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्यूनिंग एज पर लॉ ऑफ नेचर। तो धर्म इज लॉ ऑफ नेचर, जिसको ना कोई बदल सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उसको बदलने की कोशिश ना करें। लॉ ऑफ नेचर इज लॉ ऑफ नेचर, ओके। उसका मात्र स्वीकार करना है, वो हमारे ऊपर सर्वोपरि है, ईश्वर है, हमारे अस्तित्व का बेस है, मूल आधार है। तो धर्म वो है, और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म उसकी बारीकी को समझकर अपना रास्ता बनाना। अध्यात्म यानी उसका रास्ता बाहर नहीं है, उसका रास्ता मेरे अंदर है। अध्यात्म यानी अंदर देखना, पहले लॉ ऑफ नेचर को समझना और उस लॉ ऑफ नेचर को अपने अंदर देखना। अगर कोई दुखी हो रहा है तो देखो कि आप अंदर अंदर से आप क्या महसूस कर रहे हो उसके दुख को। अगर आप अपने अंदर के दुख को निकाल सकते हैं तो बाहर का दुख अपने आप निकल जाएगा। ये प्रोसेस जो है, ये दृष्टिकोण जो है, ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है, इसी को कहते हैं अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। सो स्पिरिचुअल, इफ यू लर्न स्पिरिचुअलिटी, इट इज वेरी वेरी इजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम द रूट कॉज। अनलेस यू डोंट कम टू द रूट कॉज, अनलेस यू डोंट अप्लाई द लॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी एज पर लॉ ऑफ नेचर, देन यू कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम्स विल गो ऑन मल्टीप्लाइंग, बिकॉज यू आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यू आर जस्ट सप्रेसिंग द प्रॉब्लम टेम्पररीली, एंड दिस इज वॉट वी टेन टू डू इन अवर डे टू डे लाइफ, एंड दैट्स वाई इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इन इंडियन सिस्टम ऑफ लाइफ, वी गिव वेरी बिग इंपॉर्टेंस टू स्पिरिचुअलिटी, विच इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियंस। धर्म दैट इज लॉ ऑफ नेचर, स्पिरिचुअलिटी दैट इज साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉ ऑफ नेचर एंड लिविंग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, एंड थर्ड इज रिलीजियन। रिलीजियन इज द बेबी स्टेप टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। सो रिलीजियन इज अ सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर मासिस, करोड़ों लोगों को एक साथ ये गहन विषय को समझने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसे रिलीजन कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं, परंपरा कहते हैं। तो रिलीजन इज हमारी हिंदी भाषा में उसे संप्रदाय कहते हैं, और उस रिलीजन में क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। किसका होता है? पूजा पाठ कर्म कांड मंत्र धर्म और सेट प्रैक्टिसेस, विधि क्रियाएं। तो इससे जो बना हुआ है ये मानव सर्जित है। हर युग में एक एक विशेष पुरुष आता है, अपना सॉफ्टवेयर बनाता है और लोगों को देता है, और वो रिलीजन बन जाता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर उस जमाने के उस ज्योग्राफिकल रीजन के लोगों को समझ में आता है, अच्छा लगता है, अपनाते हैं, और उसे उनका जीवन का परिणाम मिलता है, इसीलिए वो उसे फॉलो करते हैं। वो एक संप्रदाय बन जाता है, परंपरा बन जाती है, ट्रेडिशन बन जाती है, जिसको हम रिलीजन कहते हैं। और वो रिलीजन हमेशा साउथ अमेरिका का एक रिलीजन है, वो इंडिया में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज रिलेटेड ज्योग्राफिकली एंड कल्चरली टू दोज पीपल। सो नेवर ट्राई टू एडॉप्ट दिस थिंग इन अ डिफरेंट लोकेशन विद डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चरल पीपल। दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन इन टूडेज वर्ल्ड, एंड दैट्स वाई देर इज वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। नेवर ट्राई टू इम्पोज एनीथिंग ऑन एनीबडी।
educate everybody about the true reality of this world, that is called spirituality. Once you start educating people about law of nature and spirituality, adhyatma, apne aap, jo logo ko jo samajh mein aayega, and have that one software which takes you towards the real truth and reality of this law of the universe, by which slowly or gradually and gradually you will move towards that. Always keep in mind that spirituality and religion should always teach, whatever it may be, basic tenets of living, that is love, care and share, which whatever religion does not teach this, love, care and share for all, irrespective of anything. ये जो सिखाता है वो संप्रदाय स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की ओर ले जाता है. जो संप्रदाय ये कहता है मैं ही सच हूं, बाकी सब झूठे हैं, मकार है, बाकी सब गलत बोल रहे हैं, मिसडायरेक्ट कर रहे हैं, ये शब्द ही सूचित करता है कि उसके दिमाग में, उसके पेट में खोट है. जो दूसरे को झूठा बोलता है वो स्वयं झूठा होता है. जो अध्यात्म पुरुष है कभी दूसरे को झूठा कहता है, कह ही नहीं सकता. जो दूसरे को झूठा बोलता है, जो दूसरे को छोटा बोलता है, जो दूसरे को मजबूर करता है कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा और आपको यही करना है, यही सही है, वो सब राक्षस है. ये मानव को समाप्त करने वाले लोग हैं, मानव और मानवता को समाप्त करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर. सो इसे बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है मैंने, और आप इसको अमल कीजिए इसी तरह, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा. तो आपका सवाल मात्र, आपका सवाल क्या था? धर्म और अध्यात्म. धर्म और अध्यात्म, तो मैंने संप्रदाय रिलीजन को जोड़ दिया. शायद आप धर्म को रिलीजन कहना चाहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. हमारे भारतीय परंपरा के अंदर कोई भी धर्म ग्रंथ खोल लो, कोई भी वेद परंपरा खोल लो, जैन परंपरा खोल लो, बुद्ध परंपरा, ये तीन ही परंपरा है भारत में और सारे विश्व में, बाकी सब इसके ऑफशूट है सारे विश्व में. क्योंकि भरत चक्रवर्ती जो थे, छह खंड के राजा थे, सिक्स कॉन्टिनेंट्स, आज भी सिक्स कॉन्टिनेंट्स है, तो वो छह खंड के राजा थे और यहीं से सारी संस्कृति गई हुई है, और वो संस्कृति तीन गुटों में बटी हुई है, वेद परंपरा, जिन परंपरा, अगम परंपरा और त्रिपिटक, बुद्ध परंपरा. तो त्रिपिटक और बुद्ध परंपरा ऐसी है कि जो अभी रिसेंटली आई है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ ये ज्ञान संवर्धन संग्रहित करके रखा है. तो अगर आपको पूर्व की ट्रेडिशन, 5,000 साल पहले की ट्रेडिशन अगर चाहिए लाइव फॉर्म में, तो उनके साधु समुदाय के अंदर मिलने की संभावना है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग परंपरा रही है, जिन्होंने अपने दादा गुरुओं के परंपरा से एकदम तटस्थ होकर जीते हैं. इस साल हम भूटान जाने वाले हैं बुद्धों की परंपरा को स्पर्श करने, और उसके बाद हम मानस सरोवर जाएंगे, तो तैयार रहना. ये परंपरा को स्पर्श करना, समझना, अनोखा आनंद आता है. कहीं भी मैंने कहा ना, ज्ञान कभी सीमित नहीं है, अनंत है. और जितना आप ज्ञान को ज्ञान स्वरूप से पाते रहोगे, तो आपके अंदर का आनंद और अंदर का प्रेम, वात्सल्य एक्सपांड होते जाएगा. जहां संप्रदाय की बात करोगे, तो मैंने कहा वो फ्लोइंग एनर्जी को आपने संप्रदाय के नाम पे रोक दिया, टोक दिया, और फिर आप अपना तूत खड़ा किया, तो नुकसान करने वाला है, सबका नुकसान करेगा. दिस इज लॉ ऑफ नेचर, यानी दिस इज बाउंड टू हैपन. द मोर यू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ नेचर, कॉस्मिक लॉज, यू आर गोइंग टू एक्सपांड टूवर्ड्स इंफिनिटी, एंड दिस प्रोसेस ऑफ गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी इज अध्यात्म, स्पिरिचुअल.
संप्रदाय रिलीजन इनिशियली इज नेसेसरी फ्रॉम वेर एवर यू स्टार्ट और विच एवर रिलीजन यू स्टार्ट बट कीप इन माइंड इट हैज टू बी इन लाइन विथ लॉ ऑफ नेचर. इतना एजुकेशन ले लो, फोर पॉइंट इज लॉ एजुकेशन ले लोगे तो आपको डिस्क्रिमिनेशन विवेक जागृत हो जाएगा और अपने आप रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा. Thank you.